तो भी दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सुबजर्नी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग हैं पुणे के अंदर और दो रात यहाँ पर रुके। मेरे मामा जी का घर है, मैंने आपको बताया था। पीछे हम लोग जयपुर, कोटा, उज्जैन, इंदौर, उसके बाद धुले, धुले के बाद संभाजी नगर से होते हुए पुणे आए हैं और आगे आज इस वीडियो के अंदर हम जाएंगे गोवा। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। और पुणे के अंदर ये बिब्बेवाड़ी के अंदर रहते हैं, यहीं पर कंस्ट्रक्शन जो घर बनाने का वो काम करते हैं। टाइल वर्क, टाइल मार्बल फिटिंग, किचन होता है, ये काम करते हैं। और बाकी अब हम जो है वो जा रहे हैं मार्केट में रेनकोट लाने के लिए। मामा जी साथ में जाएंगे, पता नहीं कहाँ तक जा पाएंगे। सतारा और कोल्हापुर साइड में ये घूम के आएंगे और हम लोग उससे आगे चले जाएंगे। ऐसे बारिश लगातार पिछले 5-7 दिन से हो ही रही है। मैं आपको बता दूँ, पुणे के अंदर मैं 3 साल रह के गया हूँ और आसपास जितने भी स्थान हैं वैसे हम लोग घूमे हुए, कि दोबारा कभी और घूमेंगे। ये अपर डेपो है। दोस्तों हम लोग यहाँ से रेनकोट ले रहे हैं। ठीक मामा श्री, जो आराम हो। ठीक, हैप्पी जर्नी। ठीक ठीक, खुश जर्नी। और इस बरसात के अंदर जो ऊपर बैग रखते हैं उसके लिए ये अनिल है, ये कल लेके आया था, लेके आया था जो डस्टबिन के अंदर डालते हैं ना, बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं, रोज़ रिप्लेस करते हैं, वो वाली पॉलीथीन लेके आया था। तो वो पूरी फिट आई है बैग के अंदर और पैक कर ली, और बाकी जो बची थी सारी की सारी पॉलीथीन इस बैग के अंदर डाल दी। हेलो दोस्तों, मैं भी देखूँ नाड़ दो आशीर्वाद है ले आशीर्वाद है। आज हो गई 13 जुलाई, दो रात यहाँ पर हम लोग ठहर लिए पुणे के अंदर। बारिश तो रुक नहीं रही है और अब जो हम लोग बारिश के अंदर ही जाएंगे। बारिश आ रही है। ठीक है मामी जी, बाय बाय। अब जो हमने कुछ पार्सल लिए हैं यहाँ से, 3-4 पार्सल पुणे का एड्रेस दे करके मैंने मंगवाए थे। एक तो माइक, एक और मंगवाया था क्योंकि पहले वाले खराब हो गए, बहुत जल्दी जल्दी ये खराब हो जाते हैं। मम्मी को छोड़ के जाए। ठीक है, चाचा को लेकर चले जाए। ठीक है, मैं इनके मैं था सगे रहा था, दे झूठ तो बोल रहा है। देखो कपड़ा ले हैं, दिन चाचा दिन बताला, चाचा बाबूडी दूध पिया देसी के, बाबूडी ने भी छोड़नी पड़ी मम्मी का। चलो भाई दोस्तों, ना बारिश रुक रही है और ना नालियां और सड़कों से पानी खत्म हो रहा है। तो भी दोस्तों हम लोग अभी निकल रहे हैं पुणे से और पुणे से जा रहे हैं सतारा हाईवे के ऊपर। इस हाईवे के ऊपर आप देखिए सड़क के किनारे किनारे कई जगह पर पानी है और लगातार बारिश हो रही है, तो पानी जो है वो चल भी रहा है। एक्चुअली आज हमारे पास में दो गाड़ियां हैं, एक मामा जी वाली गाड़ी है दूसरी, और इसमें हम लोग बैठे हैं आगे पीछे बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पुणे सतारा हाईवे पर जैसे पुणे से निकलते हैं तो ये टनल आती है जो कई किलोमीटर के अंदर है, काफी बड़ी टनल है। तो भी दोस्तों हम लोग जो है वो थोड़ा सा नाश्ता पानी किया और उसके बाद में आगे जा रहे हैं सुरूर से महाबलेश्वर की तरफ। प्लान बन गया अचानक महाबलेश्वर जाने का और हम लोग सोच रहे हैं वहीं पर रुकेंगे। ये एक नदी है, ये क्या नाम है नदी? नारी नदी। नारी क्या? नारी 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 नदी है, बहुत बड़ी नदी है। कहते हैं कि ज़्यादा बारिश आती है तो इस ब्रिज के ऊपर से भी यहाँ से पानी बहने लगता है, इतना ज़्यादा पानी आ जाता है यहाँ पर। ये यहाँ पर घाट आया है और इस घाट को क्रॉस करने के बाद में हम लोग जाओ वही और महाबलेश्वर की तरफ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। इकली आए दोस्तों रास्ता में, बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज गांव पड़ोस से या सगोजी से मुलाकात भी हो गई है। मामी जी, रमेश जी, बानू जी। और दोस्तों आज मौका मिल ही गया आखिर नागावाड़ी या नागेवाड़ी नाम से कोई डैम है, व्यू पॉइंट बना हुआ है और बारिश के अंदर हम लोग थोड़ा सा यहाँ रुके हैं।
ये बारिश की बूंद सीधा कैमरे पे आई है और वो वहाँ पर भैंसे चल रही है। भैंसे चल रही है। एक्चुअली दोस्तों ये जो लोकेशन है बहुत ही शानदार है, अगर बारिश नहीं हो यानी बारिश का जैसे सीजन जाए तो यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं। एकदम खुला 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 मैदान है पूरा। वाह, मारा गया यार। देख लेगो ये क्या हो गया। ऑन लियो गयो टायर गया। आज तो बुरे फंस गए ऐसे लग रहा है। अभी अभी पता चला है हमें भी ये हालत होगी। अब हमें ये भी पता नहीं है जोश जोश के अंदर कितनी देर से चल रहे हैं, पता नहीं है हवा इसके अंदर कब से नहीं है। यहाँ आके रोकी है तब पता चला है। एक रास्ता है कर लो लोग के गलत बन के हुआ नहीं रहना तो ही अपन चेक करिए। ठीक है एक्चुअली क्या है कि दोस्तों मैं अभी जब पंप निकाल रहा था उसका हैंडल टूट गया और टायर पड़े। टायर इसलिए नहीं लगा रहे हम लोग कि सामान पड़ा है डिक्की के अंदर खूब सारा। हम लोग सोच रहे सिर्फ हवा भर के आगे किसी मार्केट में जाकर के पेंसिल निकलवा लेंगे और थोड़ा सा जो टायर जैसे चका है जैक से चकने के बाद में उठाने के बाद में हवा जल्दी जल्दी भर गई है। अच्छा पंप और अंदर से भी निकल गया। हैं होगी क्या हुआ निकाल दो निकाल छोटो ये सही नहीं होगा। ओ कौन नहीं हो सही। ओ क्यों माथा पड़ी करा। अरे ना ये मंदिर है यहाँ पर और बहुत अच्छा झरना है। मंदिर है श्री दत्त भगवान का। गांव आए जहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है हवा चेक कराई है और टायर चेक कराया पंचर नहीं है। वहाँ लूज था थोड़ा सा हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। हमें क्या पता ये लूज है। दूसरा पंप भी अभी नहीं मिला है जो है उसी से काम चलेंगे। फिर जुट पड़ी तो चलते हैं यहाँ से कहीं खाना खाएंगे। दोपहर के 3:15 बजे 4 बजने वाले हैं। हम लोग खाना खा रहे हैं और साथ में खाना लेके हैं ये मेरी राबड़ी की बोतल। कुछ खाना जो होटल से भी हम लोग ले रहे हैं घर से भी ले गए। सड़कों के ऊपर पानी पूरे रास्ते में है। कहीं खड्डे भी है तो कहीं पर जो वाटरफॉल बन गई पूरी की पूरी सड़कें। तो अभी दोस्तों तस्वीर कुछ ऐसे है कि अब जो हम लोग हैं मंदिर जा रहे हैं कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है और माता कृष्णा का मंदिर है क्या है कृष्णा माता का बहन है ना मंदिर पंचगंगा। अच्छा यहाँ पर पंचगंगा का मंदिर है कृष्णा माता का मंदिर नीचे यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से वहाँ पर हम लोग आ गए। ये इतने मंदिर है यहाँ पर महाबलेश्वर अति बलेश्वर पंचगंगा और कृष्णा माई। जबरदस्त ठंड लग रही है सारे के सारे हम लोग रेन कोट पहन के आगे। यहाँ जो शिवलिंग है वो हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ पर बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और हवाओं के साथ में बादल बहुत तेज गति से चल रहे हैं। बहुत ठंड है। मंदिर दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद में कहीं ठहरना पड़ेगा। फिर कल आप देखेंगे कल जो हम जाएंगे यहाँ से आगे गोवा और फिर तमिलनाडु की तरफ। एक्चुअली यहाँ पर क्या एक शॉप है जिसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर सिर्फ लकड़ी का सामान है जैसे कि ये चम्मच हो गया ये इसके जूड़े में डालने का ये भी लकड़ी का है पूरा सारा सामान लकड़ी का ही इसमें। इसके अलावा इसके अंदर ये शहद वाले मंदिर है बहुत पुराने पुराने मंदिर है।
पंचगंगा मंदिर। तो अभी दोस्तों बहुत जबरदस्त ठंडा पानी है और हम लोग जो यहाँ पर नहा लिए। तो अभी दोस्तों हम लोग जो स्नान करके आगे यहीं से जो उद्गम होता है कृष्णा नदी का, करीब 1500 किलोमीटर का ये सफर करके बंगाल की खाड़ी में जाती है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इतने स्टेट जो पार करते हुए, और यहाँ के लोग जो गंगा के समान पवित्र मानते हैं इस नदी को, पीने के लिए और घर में रखने के लिए गंगा जल को लेकर के जाते हैं। ये पानी आप पीने के लिए लेके जा रहे हो माता जी? हाँ। या फिर वैसे रखने के लिए? नहीं, पीने के लिए। पीने के लिए लेके जा रहे हैं। 12 महीने आता रहता है पानी? हाँ, 12 महीने। चलिए ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो महाबलेश्वर के अंदर एक होटल के अंदर ठहर गए। एक रूम है, 2 बेड है, एक्स्ट्रा वो ले लेंगे, क्या बोलते हैं, गद्दे लगा लेंगे और सारे के सारे एक ही रूम के अंदर रहेंगे। करीब 2000-1000 रुपये का किराया इसमें बताया। अब खाना आ गया, हम लोग खा रहे हैं। हमें लग ही नहीं रहा कि हम लोग अकेले हैं क्योंकि मेला लगा हुआ है, इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब खाने की तैयारी है, हम लोग खाना खाएंगे। मार्केट जा करके हम लोग क्या है कि कुछ खुद ही सलाद लेके आ गए, जिसमें टमाटर, काकड़ी और ये खुद काट करके खाएंगे। अब मम्मी जी धो रहे हैं। हाँ सर, तो 106 मध्ये 6 मॅट्रेस, 4 कंबल आणि पाणी आणि काय टिश्यू वगैरे आणून द्या सगळं लागतं। ये हम सब के अंदर अनिल जो मराठी में एक्सपर्ट है बोलने में, तो हर जगह हम आगे करते हैं ऐसे। हेलो, रात के 11 बज चुके हैं और अब जो हम सब लोग सो रहे हैं। मुझे तो वैसे थोड़ी देर और वीडियो वगैरह एडिट करना होगा और तस्वीर कुछ ऐसे है कि नीचे सो गए खूब सारे और बाकी सब ऊपर सो गए। चलिए ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। हम लोग महाबलेश्वर में हैं और जा रहे हैं तमिलनाडु। यहाँ से अगले वीडियो के अंदर हम लोग जाएंगे यहाँ से गोवा। कहाँ तक पहुँचे? कोल्हापुर और सतारा, कोल्हापुर होते हुए गोवा और उसके बाद में आगे केरला की तरफ और फिर तमिलनाडु की तरफ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।